नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे, आपने या आपके परिवार किसी सदस्य ने, भले आपके पिताजी ने या दादाजी ने कोई संपत्ति खरीदी है और वो संपत्ति का पंजीयन नहीं कराया, यानी रजिस्ट्री नहीं कराई है, और वो संपत्ति केवल सिंपल कागज पर लिखा पढ़ी कर खरीदी है। वो कागज हो सकता है किसी भी कॉपी का कोई पेज हो गया, ठीक है, या किसी डायरी में लिखा पढ़ी कर दी, ठीक है, या पुरानी जो खत होते हैं, बेड़ी बोलते हैं, उसमें लिखा पढ़ी कर दिए, या कोई पुराना खत, उस पर दो पक्षों ने लिखा पढ़ी करके कोई भी संपत्ति आपस में खरीद ली, यानी एक पक्ष ने संपत्ति विक्रय की, दूसरे ने उसको खरीद, वो लिखा पढ़ी किस पर कर ली, सिंपल पेपर। पंजीयन नहीं कराया और कब्जा भी दे दिया। अब क्या होता है, अब आप चाहते हो कि जो सिंपल पेपर पे जो लिखा पढ़ी हुई है, उस लिखा पढ़ी के आधार पर वो संपत्ति आपके नाम पर हो जाए। नाम पर कैसे? सरकारी कागज में। जैसे कि वो खेती की जमीन है तो जमाबंदी में आपका नाम आ जाए, ठीक है, प्लॉट है तो उसका पंजीयन या पट्टा आपके नाम हो जा रहे हैं, ठीक है, कोई मकान है तो उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाए। पर दिक्कत यह है कि जिस व्यक्ति ने पहले बेची है वो व्यक्ति अब आपके नाम पर कराने को तैयार नहीं। इसको हम समझेंगे, वो मना कर रहा है कि साहब मैं तो अब नहीं कराऊंगा, या हो सकता है कि वो व्यक्ति बदल गया हो, या उसके मन में और पैसा लेने की और संपत्ति वापस लेने की आ गई हो। जैसे कि मान लो गणेश ने एक संपत्ति नाम पे करी, हीरा लाल, ठीक है, कब करे? 1980 में करे, ठीक है, 1980 में करे, किस पे करे? सिंपल पेपर। क्या कराया? एक खेत या बल्कि प्लॉट पड़ोसी लिखकर भेज दिया, मान लो उस समय 90,000 रुपए भेजा, 90,000 रुपए भी गणेश ने ले। अब हीरालाल ये चाहता है कि गणेश उस प्लॉट की रजिस्ट्री जो 1980 में बेचा उसके नाम पे करा दे, पर गणेश कराने को तैयार नहीं। एक स्थिति की होगी। दूसरी स्थिति, गणेश की मृत्यु होगी और संपत्ति उसके लड़के मोहन के नाम पे आ गई और मोहन अब कराने को तैयार। तीसरी स्थिति, गणेश जिंदा है, हीरालाल की मृत्यु होगी, हीरालाल का लड़का दिनेश ये चाहता है कि गणेश उसके नाम पर जो उसके पिताजी ने संपत्ति खरीदी है वो नाम पे करा दे, पर वो गणेश नाम पे कराने को तैयार। तीसरी स्थिति है, चौथी स्थिति, गणेश और हीरालाल दोनों की मृत्यु होगी, ये इसके वारिस के नाम पे आ गई, ये इसके वारिस के नाम, इसके भी वारिस। अब हीरालाल के वारिस गणेश के वारिस से चाहते हैं कि संपत्ति उसके नाम पे कराएं क्योंकि उसके पिताजी ने बेची हुई है, पर गणेश के वारिस कराने को तैयार नहीं। तो क्या कानून में क्या ऐसा प्रावधान है कि ये पक्ष जब बिल्कुल ही तैयार नहीं है तो भी कानून के जरिए उक्त संपत्ति कोर्ट हीरालाल के नाम पे करा दे, और वो लिखा पढ़ी सिंपल ही है, तो इसका उत्तर क्या है? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, हाँ हाँ ये संभव है। सर कैसा संभव है? वो तो उसको स्टाम्प भी लगा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, स्टाम्प नहीं लगा हुआ तो उसका भी हल भी बताता हूं मैं, ठीक है ना। स्टाम्प नहीं है, नोटरी भी नहीं, और पंजीयन भी नहीं, पंजीयन होता तो बात ही नहीं होती थी, पर स्टाम्प भी नहीं है, नोटरी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गवाह होने चाहिए, भले गवाह एक हो तो, कि हाँ ये बेचा था, हमारे सामने बेचा था, पैसे हमने दे दी थी, और दूसरा कब्जा प्राप्त कर लिया, और तीसरा विक्रय मूल्य
दे दिया, ये तीनों बातें होनी चाहिए तो हो जाए। अब कानून क्या है, कि जब आप कोर्ट में उस सिंपल पेपर पेश करके आप बोलोगे कि गणेश मुझे हीरालाल के नाम पे रजिस्ट्री कराए, या हीरालाल के वारिस बोलेंगे कि गणेश कराए, गणेश के वारिस हमारे नाम पे संपत्ति को कराए, तब कोर्ट क्या होगा, इस कागज को नहीं पढ़ेगी। क्यों नहीं पढ़ेगी, कोर्ट बोलेगी कि आपने पूरा स्टाम्प पर नहीं लिखा पड़ेगा। ये क्या बात बोलती सर आपने, पहले तो आप कह रहे थे हो जाएगी नहीं होगी, दोनों बार मैंने सही बोला। तो इस कागज को कोर्ट को पढ़े इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भले तो आप कोर्ट में दावा लगाओ उसके बाद या पहले, इस कागज को हर जिले में एक ऑफिस होता है उसका नाम है पंजीयन मुद्रांक कार्य, ठीक है, वहां पर एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि मुझे हीरा लाल ने गणेश से ये संपत्ति खरीदी जिसकी लंबाई चौड़ी ये है, उस समय हमने पंजे स्टाम्प शुल्क नहीं जमा कराया, अब हम स्टाम्प शुल्क जमा कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे आपसे माननीय न्यायालय से निवेदन है कि स्टाम्प शुल्क हमसे वसूल कर इसका मुद्रांक शुल्क वसूल कर इसको स्टाम्पित किया जाए, ठीक है। तो पंजीयन मुद्रांक कार्यालय क्या करेगा, इस पर जो उस समय जो स्टाम्प लगता था ना उसका 10 गुना, जैसे मान लो उसमें 1000 का स्टाम्प लग रहा था तो 10 गुना तक का आपको पेनल्टी लगाकर इसको मुद्रांकित कर दी, यानी कि इसको प्रॉपर स्टाम्प पे कर दिया। अब प्रॉपर स्टाम्प पे हो गया तब क्या करेगी, कोर्ट इसको पढ़ेगी। अब कोर्ट पढ़ेगी तो कोर्ट में जब सामने वाले गणेश के ओरिजिनल सिग्नेचर, यह साबित हो जाता है गणेश की सिग्नेचर है, यह भी साबित हो जाता है गणेश ने पैसे दिए, क्योंकि लिखा पढ़ी में है, जो गवाह है वो भी कहते हैं हाँ हमारे सामने दिए, कभी कई बार कहते हैं गवाह शांत हो जाते हैं, तो गवाह के सिग्नेचर भी ओरिजिनल है, इस बात का भी पता चल जाएगा। सर इस बात का पता कैसे चलेगा, गणेश शांत हो गया उसके सिग्नेचर ओरिजिनल है या गवाह तो शांत हो गया उसके सिग्नेचर, उनके कोई दूसरे दस्तावेज जो कभी उन्होंने राशन कार्ड है कोई है राशन कार्ड लिया है कहीं से रजिस्ट्री करी है, या उनका आधार, आधार तो उसमें था नहीं, कोई लाइसेंस है, उस उनको डॉक्यूमेंट को कोर्ट मंगवा कर वहां से टेली कर लेगी कि सिग्नेचर उन्हीं की है। फिर माँ ये गणेश और हीरालाल वाला मामला जब आ गया, हाँ इसी का कागज यही है, तो कोर्ट अगर गणेश जिंदा है, गणेश जिंदा नहीं देगा, गणेश के जो वारिस है उनको ये आदेश देगी कि आप 7 दिन के अंदर अंदर हीरालाल के नाम पर पंजीयन कराएं। अब गणेश 7 दिन के अंदर नहीं कराता है तो कोर्ट खुद अपने कर्मचारी जिसको नाजिर बोलते हैं, कोर्ट का कर्मचारी, वो आकर उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री हीरालाल के नाम पे करा देगा, गणेश की जरूरत ही नहीं, गणेश मर गया उसके वारिस नहीं आया तो उस वारिस की भी जरूरत नहीं। मगर ये दावा करो उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, एक नोटिस, सबसे पहले एक नोटिस देना चाहिए। बाकी गणेश ये बोल सकता है साहब मेरे पर दावा क्यों, कि हम तो वैसे ही करा देते हैं, तो आपको एक सबसे पहले नोटिस देना जिसमें 7 दिन का समय देना कि गणेश जी आप पधारिए, 1980 में जो हमने रजिस्ट्री का जमीन खरीदी है उसका आपने पंजीयन नहीं कराया, वो पंजीयन हमारे नाम पे करा दीजिए, उसमें तारीख दिन लिखा होता है, इस तारीख इस 3 बजे आप आ जाइए, पंजीयन खर्चा हम देंगे, हीरालाल हीरालाल लेंगे उसके नाम पर रजिस्ट्री कराना, तो ये आएगा तो नहीं, ये नोटिस उसमें आपके जो कोर्ट में मुकदमा करोगे उसमें सबूत के रूप में काम आ जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में यह बात बैठती है सर कि इस मुकदमे में कुल कितना खर्चा है, ठीक है ना, खर्चा कितना है, ये खर्चा तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो वैल्यूएशन है डॉक्यूमेंट की, उस वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। जैसे उस जमीन की रेट मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है, कोर्ट फीस लगती है करीब 3,300 रुपये, जितनी भी वैल्यूएशन होगी सरकारी रेट, ठीक है ना, उस हिसाब से आपकी सिविल मामले में कोर्ट फीस लगेगी, कोर्ट फी, ये आपको स्टाम्प उसमें अदा करनी पड़ेगी। दूसरा जो आपके सिंपल पेपर पे आपने लिखा पड़ी करके उसका मुद्रांक जो शुल्क है वो शुल्क भी बताया, जैसे मान लो उस समय 1000 रुपए का स्टाम्प चाहिए था और आपने नहीं लगाया उसमें, तो अब आपको 10,000 रुपए, तो उस समय कितने रुपए का मुद्रांक चाहिए था, जो लिखा पड़ी होती है ना
उसका 3% के करीब शुल्क जी होता है, जो उस समय जो कि डीएलसी रेट है जैसे उस समय 50,000 की थी, तो 3% जो भी बनता है वो लगाना चाहिए था, वो अपने लगाया था तो उसका 10 गुना करके कर देंगे, ये खर्चा भी। और वकील मेन था। इसमें आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी वकील भी कई तरह के होते हैं, जो सिविल नेचर का काम देखता है उसको एडवोकेट नियुक्त करना चाहिए, जिससे क्या उनको प्रॉपर जानकारी होगी और जल्दी आपके पक्ष में फैसला करें। फैसले में कितना समय लगेगा? 2 से 5 साल, ठीक है, अलग अलग मैटर पे अलग अलग, कम से कम 2 लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लग सकते हैं। हाँ, अगर डिले छोड़ रहे हैं या अधिकारी नहीं है या किसी कारण से और भी दिक्कत आ गई तो समय आगे पीछे हो सकता है, और कई बार उस जो लिखा पड़ी है उसके मैटर पर भी निर्भर करता है। तो आपके पास अगर कोई लिखा पड़ी है तो आप आपके स्थानीय एडवोकेट जो भी आपके यहाँ पास रहते हैं उनको बताइए मुकदमा कहाँ होगा, जहाँ वो जमीन है या जहाँ मकान है या प्लॉट है उसके क्षेत्राधिकार की जो कोर्ट है उस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आपका मुकदमा पेश हो जाएगा। आपके अगर आपके भी इस प्रकार किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट्स करें मुझे। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट नितेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।